दोस्तों उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एक इवनिंग स्नैक्स जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन बॉल्स। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पीसेस चिकन का ले लिया है। अभी इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी, जैसे थोड़ा सा अदरक पेस्ट, थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन का पेस्ट, प्याज और हरी मिर्च। अभी इसमें मैं डालूंगी एक ब्रेड को, ऐसे देखिए थोड़ा सा तोड़ लिया है, इसको भी इसके साथ डाल दूंगी बाइंडिंग के लिए। चलिए इसको मैं दरदरा पीस लेती हूँ। तो मैं सारे चीज़ों के साथ दरदरा पीस लिया है। अभी इसमें कुछ सूखे इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी, वो चलिए मिला लेते हैं। पहले थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, थोड़ा सा सोया सॉस हाफ चम्मच के करीब। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चम्मच के करीब डाल के। अभी इसका हम लोग छोटा छोटा बॉल तैयार करेंगे। देखिए तेल डाल के हम लोग इसका छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेंगे। ऐसे करके हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मेरा सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे दो अंडा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, और इसको फेंट लेंगे। चलिए पहले एक बॉल ले लेते हैं, उसको ऐसे एग में डीप करके ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। देखिए बॉल हमारा रेडी है। इसी प्रोसेस से मैं सारे बॉल को एक बार एग में डीप करके फिर उसमें ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर दूंगी। इसी तरह से मैं सारे बॉल को तैयार कर लूंगी। मैंने तैयार कर लिया है, अभी चलिए इसको फ्राई करते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, चलिए इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसको पूरा गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। ये सारे बॉल्स गोल्डन हो चुका है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब जो बाकी बॉल्स है उनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई कर लिया है, चलिए इसको सर्व कर देते हैं।